हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल फ्लाई हाई एकेडमी एंड हेयर वी हैव स्टार्टेड द सीरीज़ फॉर वोकैबुलरी एंड इन दिस लेक्चर वी कवर द वर्ड्स ऑफ वोकैब दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी. सो फ्रॉम बी और फर्स्ट वर्ड इज़ बैबल. फर्स्ट वर्ड इज़ बैबल. बैबल का मतलब होता है हमारे पास किसी के साथ बातें करना. बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, चैट बॉक्स, चैटर बॉक्स, बैबल. टू टॉक्स और से समथिंग इन ए सिली वे, बिना सोचे समझे बात की करनी, रैशनली, इनरैशनली, इरैशनली बातें करना. इरैशनली बातें करना. और हमारे पास क्या आएगा, अनसेंसिबल, नॉन सेंसिबली टॉक करना. और ये तो हो गया हमारे पास चैटर बॉक्स का. और हमारे पास क्या मीनिंग होता है बैबल, बैबलिंग करना, चैटर बॉक्स. लोकोशियस, लोकेशियस, लोकेशियस और चैटर बॉक्स, लोकेशियस, बैबलिंग, ये हमारे पास इसके हो गए. बैम्बल, ये हमारे पास इसके सिनोनिम हो गए. इसके एंटोनियम क्या होते हैं, चुप रहना, क्विट, क्विट. सेंस, सेंसिबल टॉक करना या फिर चुप रहना. पेशेंस, पेशेंस, ये भी इसके अंदर ही हमारे पास इसका आ जाएगा एंटोनियम. ही सीम्स टू बी बैबलिंग. फिर हमारे पास वर्ड आता है बैगर. बैगर क्या होता है हमारे को, हमारे पास कि कोई चीज ना रिपीटेड मोड पे करके उसको क्या कर देना, खराब कर देना. एक तरीके से ये होता है वैसे तो, कि कोई चीज को रिपीटेड मोड पे करते हैं आप, उसको बार बार इसका लिख देंगे यूज करना, यानी कि ओवर यूज, ओवर यूज. बोदर, टॉर्मेंट, पेस्टर. और हमारे पास ओवर यूज का क्या मतलब होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में करना, सिनोनिम्स सर्च करना एक दो वर्ड इसके. और होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी. वेट फॉर वन मिनट. इसका हम वर्ड यूज करते हैं और वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, क्लिंच, ट्राइट, इंपॉर्टेंट वर्ड है ओवर यूज के लिए. बट यहाँ पे आप प्रॉपर ओवर यूज के लिए नहीं बोलेंगे, इसका सिनोनिम कर सकते हैं. इसके अंदर है टू ट्राई मेक समवन डू समथिंग बाय आस्किंग देम मैनी टाइम, उसको बार बार बोल करके कोई काम करवाना. यानी कि इसका एक मीनिंग हमारे पास आ रहा है परसुएडिंग वाले में भी, कोक्स, परसुएड, कोक्स करना, परसुएड, परसुएड करना, कैजोल करना, चापलूसी करके, मतलब इसको बार बार मनाना एक तरीके से कोई काम करने के लिए. इसका एंटोनियम आ जाएगा एड, डिलाइट, हेल्प करना उसकी कुछ, या फिर कुछ उसको सहायक होना. द पियन हैड टू बैगर टू गेट द फॉर्म साइंड बाय द प्रिंसिपल. जो पियन है उसने बैगर की बार बार बोला कि क्या करे, वो प्रिंसिपल उस पर साइन कर दे. तो यहाँ पे ये मीनिंग दे रहा है हमारे पास कोक्स वाला. बेलफुल, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है बेलफुल.
बेलफुल, बेलफुल का मतलब क्या होता है कि हार्मफुल होता है, जैसे हार्मफुल उस तरीके का वर्ड है हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव, मैलिग्नेंट या फिर ईवल इंटेंशंस से भरा हुआ, मीनेंस, हार्मफुल। और हमारे पास बेलफुल इसी के अंदर ही आता है, डिस्ट्रक्टिव होना मतलब हमारे पास है इसके अंदर, अपने लास्ट वर्ड पढ़े थे जैसे कि एक पढ़ा था एपो कैल्प्स, और हमारे पास क्या था जैसे कि क्या होती है, डिजास्टर होती है वो भी डिस्ट्रक्टिव होती है, और कुछ एक चीज़ है कि वो जड़ से ख़त्म कर देते हैं आपा, तो वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनियम आ जाएगा गुड, अच्छा, बेलफुल नहीं है यहाँ पे, बेलफुल हमारे पास आ रहा है गंदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आपा, बेलफुल खराब के लिए, यानी कि जहाँ पे बेल वाला वर्ड आ जाएगा ना, ये नेगेटिव सेंस देता है हमारे पास खराब वाली, यहाँ पे MAL मल, ये ही हमें पास है खराब की सेंस देता है। गुड, हेल्पिंग, प्रोमिसिंग, हिज बेलफुल बिहेवियर वॉज स्ट्रेंज, उसका जो खराब बिहेवियर था, हम इसके अंदर ये नहीं कर देंगे, चलो इसके लिए हटा दो, इसके लिए इसके अंदर नहीं करेंगे, ये डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा ओवर हो जाएगा ये वर्ड, ये ज़्यादा बैनल, हाँ इसके अंदर कर लेंगे। इसके अंदर क्या होता है बैनल हमारे पास, अभी जो वर्ड किया है हमारे पास है बैनल, आपने किया है जो बार बार यूज़ हो, ये हमने उस दिन भी किया था बैनल। बैनल क्या होता है, कॉमन प्लेस होता है, ट्राइट होता है, वेपिड होता है, हमारी फर्स्ट वोकैबुलरी क्लास के अंदर हमने किया था ये बैनल, कॉमन प्लेस, ट्राइट, कॉमन प्लेस, बोरिंग, ओरिजिनल, मतलब कि क्या हो, ऑर्डिनरी हो और ओरिजिनल ना हो एक तरीके से, या फिर वहाँ के रहने वाले हो ये भी बोल सकते हैं आप, ये ऑर्डिनरी और वहाँ के ना रहने वाले हो गए, समथिंग बोरिंग भी हो गया हमारे पास है। और हमारे पास क्या होता है वेपिड, नॉट इंटरेस्टेड, वेपिड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि कोई चीज़ के लिए कॉमन है उसके लिए, वो वहाँ का कोई रहने वाला है कोई कोई प्लेस का, तो उसके लिए कोई वहाँ की कोई अच्छी चीज़ है ना, तो उनके लिए वो अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो उनके लिए क्या है, कॉमन है। एंटरटेनिंग, ओरिजिनल, बेन, बेन क्या होता है, बेन होता है हमारे पास कर्श, बेन पर हमारे पास होता है शराब नहीं बोलते जिसे आप, बेन होता है हमारे पास जैसे शराब के लिए वर्ड यूज़ करते हैं आप, क्रश, कर्श हो गया इसकी। और मीनिंग हमारे पास देखते हैं इसका, और मीनिंग हमारे पास आते हैं बेन, ए ग्रेट डिस्ट्रेस और अनोयंस, बेन हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से श्राप जैसे होता है, अभिशाप, कर्श, मॉलिडिकेशन, ये रहने देते हैं आपा। और एक आता है हमारे पास एनाथमिया, एनाथमिया ये भी हमारे पास क्या होता है, शराब जैसा होता है,
लेकिन श्राप एक्चुअल में काम क्या करता है, इसके सिनोनिम के तो देखना है। र्यून खराब करता है उसका, उसकी डिस्ट्रक्शन कर सकता है श्राप कोई चीज़ का। मतलब ये श्राप वो वाला नहीं है कि पहले पंडित दे देते थे या फिर जो भी थे, ये श्राप होता है जैसे उसे कुछ नेगेटिव चल रहा है उसकी लाइफ के अंदर या फिर कुछ खराब चल रहा है, उसके लिए हमारे पास बेन वर्ड यूज़ किया है। एक्चुअल होता है हमारे पास वो कर्श, लेकिन उसके सिमिलर वर्ड तो है हमारे पास ये ना कर्श। कंजेशन एंड एयर पोल्यूशन आर मेजर बेन फॉर दिल्ली एंड दलितीस, जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनके लिए क्या है, ये मेजर प्रॉब्लम है या फिर श्राप है उनके लिए जो एयर पोल्यूशन है और जो ट्रैफिक की क्या है भीड़ है। कॉग्निशंस बैशफुल, बैशफुल कैसा होता है, बैशफुल होता है कि शर्मिंदा वाला नहीं होता, जैसे शर्माने वाला हो गया, शाय, बैश, शाय, मोडेस्ट, मीक, कोय, नर्वस, ये हमारे पासवर्ड कैसे होते हैं, जैसे कि जिसके पास कॉन्फिडेंस कम है तो वो भी शाय होता है, तो हमारे पास उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, बैशफुल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया हमारे पास। इसका एंटोनियम हमारे पास ओपन है, कॉन्फिडेंट है। शी फील्स बैशफुल इन माई कंपनी, वो मेरी कंपनी के अंदर क्या है थोड़ी सी शर्म महसूस कर रही है या फिर नर्वस महसूस कर रही है। बिरेट, बिरेट कैसा होता है, बिरेट होता है हमारे पास किसी का अपमान करना या किसी की क्रिटिसाइज करना, स्कॉल्ड सेवरली, बहुत बुरी तरीके से डांटना या फिर उसको क्रिटिसाइज करना। लैश आउट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टीयर इन टू, अब्यूज, डिसरिस्पेक्ट, डिसप्रेज, डिसरिगार्ड, ये इसके क्या हो जाएंगे सिनोनियम हो जाएंगे। इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, अपलॉड, अपलॉड, अपलोड करना यानी कि उसकी तारीफ करना। फादर बीरियट हिज सन फॉर इज मिस्टेक, ये अपन उसमें भी किया था कल वाले में, अपलोड में, अपलोड वर्ड का मीनिंग कर रहे थे जब आप अप्रेज करना। गलती पे डांटने वाला, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बेरेवमेंट। बेरेवमेंट ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या हो किसी के अपने की खो जाने की परिस्थिति, यानी कि क्या होती है विरह की तड़प नहीं होती, विरह होता है एक तरीके से, उसके लिए यूज़ कर देते हैं अपन। डेथ हो या फिर वो लॉस हो जाए उसका, इसका हम यूज़ करते हैं विरह। क्या है बेरेवमेंट, एंटोनियम हमारे पास है इसका हैप्पीनेस। बेरेवमेंट कॉज बाय माई फादर डेथ इज इमेजरेबल, के है जो तड़प है उसकी, उसे फादर की डेथ के बाद वो क्या है इमेजरेबल है, जिसको मापा नहीं जा सकता इतनी। बेस्टो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास फिर आ गया। बेस्टो होता है हमारे पास किसी को सम्मान देना, अपन लास्ट में भी किया था एक अवार्ड, गिव ग्रांट, प्रेजेंट, और लास्ट में मैं माने किया था एक के अंदर एक अवार्ड था तब हमारे पास आया था वर्ड, वन सेकेंड, तुम्हारे पास हमने किया था वर्ड बिस्टोक, बेस्टो का किया था अकॉल्ड, अकॉल्ड, ALD, क्लोड, स्पेलिंग देख लेना इसका क्या आएगा। अकॉल्ड वर्ड किया था कब ने इसका, बेस्टो का, ऑनर करना, प्रेज करना, प्रेज, ऑनर, या फिर एक प्रेजेंट उपहार देना। इसका उल्टा क्या होता है, डिप्राइव, रिफ्यूज, टेक और क्रिटिसाइज, स्कॉल्ड, डिसग्रेड करना, इस तरीके के वर्ड आ जाएंगे।
बिगोट्री, बाइगोट्री। बाइगोट्री कैसे होता है? बाइगोट्री होता है हमारे पास प्रेजुडाइस, हमारे पास इसका आएगा कि बायस्ड होता है ना, बायस्ड और अनबायस्ड उसकी जैसा होता है। इनटॉलरेंस टुवर्ड दोज वू होल्ड डिफरेंट ओपिनियन टुवर्ड वन सेल्फ, जैसे कि बायस होता है ना पक्षपाती वाला, फैनेटिज्म, बायोगट्री, बायस्ड कर सकते हैं अपा, बायस्ड बिहेवियर करते हैं अपा, वो इसके अंदर बायोगेट्री के अंदर आता है। जैसे कि इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास टॉलरेंस, अनबायस्ड, इम्पार्शियलिटी वाला, यानी कि अनबायस्ड बायोगेट्री हमारे पास होता है बायस्ड, बिना पक्षपात वाला। बिजारे, बिजारे कैसे होता है? जैसे कि हमारे पास होता है पिकुलर, स्ट्रेंज, डिफरेंट टू एक्सप्लेन हो, वियर्ड हो, स्ट्रेंज हो, पिकुलर हो, CULR, पिकुलर हो, वियर्ड हो, पजल्ड हो, कंफ्यूजिंग हो, कंफ्यूजिंग हो, तो इस टाइप के वर्ड जो होते हैं उसको हम बोलते हैं बिजर, यानी कि वो बिजारे हैं, एक तरीके से अलग है, अलग टाइप की है। एक्सप्लेनेबल नॉर्मल हो, इसको हम कर सकते हैं बिजारे, और हम दे सकते हैं इसके लिए वर्ड डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इसके अंदर ही आएगा। और हमारे पास इसका क्या आ सकता है, पिकुलर, स्ट्रेंज, इसका हम उसके अंदर एंटोनियम के अंदर कह सकते हैं कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस कैसा होता है? डिटेल नॉलेज होना, और इसके अंदर क्या उसके लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट है, और इसमें डिटेल नॉलेज है तो उसके लिए इजी होगा, इजी भी कर सकते हैं डिटेल कॉग्निजेंस, एक वर्ड कर रहे हैं अपा इसके एंटोनियम के अंदर। कॉग्निजेंस, COGNEGNC, NIGNC, कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस। बैबलर कैसे होता है? वही अभी थोड़ी देर पहले अपन बैबल किया था, वैसे ही बैबलर होता है, बोलने वाला, चैटर बॉक्स, बैबल, फुली स्टॉकली, लोकेशियस। लोकेशियस एक और वर्ड हमारे पास आता है इसका ही, क्या आता है हमारे पास इसका वर्ड, इसका वर्ड हमारे पास आता है ठोकेटिव, लोकेशियस, गैरुलस, गैरुलस, गैरुलस कैसा होता है? बातूनी, चैटर बॉक्स, बैबल, टाक फुसलिसली, हमारे पास आते हैं लोकेशियस। लोकेशियस फिर हमारे पास आता है बोहेमियन। बोहेमियन कैसे होता है? बोहेमियन हमारे पास ऐसा पर्सन होता है जो कि हो किसी के अंदर क्या हो, एक्सीलेंट हो, एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट हो, स्किल्ड हो। असोशियल अनकॉन्वेंशनल पर्सन स्पेशली एन आर्ट और राइटर, जैसे बोहेमिया आपने सुना होगा, उसी का एक वर्ड है बोहेमियन, जिसका मतलब होता है वो एक्सपर्ट है उस चीज़ के लिए, वो स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉन कन्फर्मिस्ट है। यहाँ पे तो आर्टिस्ट और राइटर के लिए लिया है, लेकिन अनकन्वेंशनल हो गया, मतलब कि उसका अपने एरिया में क्या है, पूरा अच्छा नाम है, स्किल्ड है, वो एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं बोहेमियन, टैलेंटेड, टैलेंटेड। बोलस्टर, बोलस्टर का मतलब क्या होता है हमारे पास,
उसको क्या करना, एक फोर्सफुली कुछ आप वो नहीं करते, उसको सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन हो गया इसका, स्ट्रेंथन और रेन फॉरेस्ट इसकी हमारे पास होता है पोलिस्टर, किसी को फोर्सफुली सपोर्ट करना एक तरीके से कि तुम ये काम करो, एनकरेज करो एक तरीके से, ये भी हो सकता है एनकरेज फोर्सफुली, मतलब कि उसको फोर्सफुली कर रहे हैं। एक अपन क्या था इसके जैसा ही वर्ड है, गलत काम करने के लिए होगा, मतलब उसको फोर्सफुली कोई फोर्स कर रहे हैं एक तरीके से कोई काम करने के लिए, तो इसका अपन वर्ड किया था एक अबेट। अबेट भी तो इनक्रेज होता है कोई गलत काम करने के लिए, इसका एंटोनियम हो जाएगा डिस्करेज, अंडरमाइन, मतलब उसको डिस्करेज करना या फिर उसको क्या करना, उसका कॉन्फिडेंस लॉस करना। बोर क्या होता है हमारे पास, बोर होता है हमारे पास रूड, रूड पर्सन, लॉट, रोज। और हमने किया हुआ है वर्ड इसके जैसे अप्रेसिव, अप्रेसिव, अप्रेसिव क्या होता है, सिर्फ अपनी अपनी सोचना, दूसरों की मत ना सोचना, इस तरीके से ऐसे होता है। लॉर्ड, लॉट, रोजी, रोज, रोजी होता है वैसे तो, रोजी, रोज बोल सकते हैं आप इसके। अप्रेसिव हो गया, रूड हो गया, अनकाइंड हो गया, अनकाइंड, रूड, और हमारे पास इसके वर्ड आ जाएंगे जो खुद की सोचे दूसरों की ना सोचे, सेल्फिश, या दूसरों का बुरा सोचे, ऐसे भी हो सकता है। सिविलाइज्ड हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, मॉडेस्ट हो सकता है। मॉडेस्ट कैसा, जनरस पर्सन होता है जो सभी की भलाई सोचे, ह्यूमैनिटेरियन होता है। डिसेंट कैसा होता है, पर्सन है जो कि मतलब सभी की एक बराबर समझे, मतलब सभी को बराबर। सिविलाइज्ड कैसा होता है, जो सभ्य पर इंसान होता है वो होता है। तो आज हमने बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड किए हैं, होप आपको समझ आ गए होंगे। आप एक काम और किया करो इसके साथ ही, इन वर्ड्स को लिख लिया करो कॉपी पे। लिखने से क्या होता है कि ये वर्ड हमें इजीली याद हो जाएंगे, जैसे मैं भी लिख रहा हूँ इनके वर्ड्स बार बार रिपीट करके, तो आप भी उन चीज़ों को लिखा करो। लिखने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में जल्दी आ जाते हैं और हमें याद जल्दी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।